अपना एंजॉय कर रहा है और बच्चा लोग। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है न्यू ब्लॉग में। अभी हम उपस्थित हो चुके हैं झरीवाहार के पास, शिव मंदिर के समीप। और जैसा कि अभी देख सकते हैं पर किस तरह से स्टॉल लगाए हुए हैं, यहाँ पर श्रृंगार स्टोर की भी व्यवस्था है। और देख सकते हैं बच्चों के लिए खेलने के लिए गेंदा है। और भी मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे चीज़ें यहाँ पर बिक रहे हैं बच्चों के लिए, टेडी बियर, घड़ी, बहुत सारे चीज़ यहाँ पर बिक रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर सिंदूर वगैरह जो कि महिलाओं के लिए, सभी तरह के व्यवस्था है दोस्तों। बहुत अच्छा यहाँ पर लग रहा है यहाँ पर कि किसी तरह का भव्य मेला का आयोजन हुआ है। उस तरह से यहाँ पर सभी तरह के दुकान लगाए गए हैं और देख सकते हैं बहुत सारे बैग भी बिक रहे हैं और देख सकते हैं। तो दोस्तों हमारे बीच उपस्थित हैं सुप्रसिद्ध गायक, लोक गायक जो कि चांदो से बिलोंग करते हैं, अच्छा भुइयां राजा से बिलोंग करते हैं, जो कि बहुत अच्छे, इनका मैंने संगीत सुना है, बहुत अच्छा मतलब ये गीत गाते हैं। तो ये भी कार्यक्रम को इनको मालूम चला होगा, तो ये भी उतना लगभग 8 किलोमीटर दूरी से चलकर यहाँ पर आए हुए हैं और जो कि बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक कलाकार कहीं ना कहीं कलाकार को कला जो है अपनी ओर आकर्षित कर ही लेता है क्या जी। तो देख सकते हैं दोस्तों ये हैं जो कि यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ का जो दृश्य है उसका लुत्फ उठा रहे हैं। तो चलते हैं दोस्तों, अन्य दृश्यों को भी आपको हम दिखाते हैं। देख सकते हैं छोटा छोटा बच्चा लोग भी पूरा आया है, अपना एंजॉय कर रहा है। देख सकते हैं हमारे मोहल्ले के ही बच्चे लोग हैं, क्या क्या अच्छा लग रहा है यहाँ पर, बहुत अच्छा लग रहा मतलब है। बहुत अच्छा लग रहा है मतलब क्या जो बिक रहा है, जो कि सबसे थोड़ा सा लाइट उल्टा दिशा में है इसलिए नहीं अच्छा लग रहा है। हाँ, क्या यहाँ पर अच्छा बिक रहा है, जैसे मैं क्या अच्छा, चश्मा, घड़ी, क्या अच्छा लग रहा है? घड़ी सब बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, घड़ी सबसे अच्छा लग रहा है। देखिए बच्चा को सबसे अच्छा यहाँ पर घड़ी अच्छा लग रहा है। शौक होता है दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे चीज़ें बिक रहे हैं। मैं आगे चलता हूँ जो कि वहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए झूला वगैरह यहाँ पर लगाए गए हैं स्टॉल। चलते हैं दोस्तों यहाँ पर और भी दिखाते हैं क्या क्या यहाँ पर व्यवस्था किया गया है। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर बच्चों के लिए यहाँ पर झुलवा का व्यवस्था किया गया है और बच्चे लोग पूरा एंजॉय ले रहे हैं। कैसा लग रहा है बच्चा लोग? बहुत अच्छा लग रहा है। अरे अरे हमरों मत मार दो, देखिए हमरों को भी धाका मार दे रहा है। तो इस तरह से पूरा एंजॉय कर रहा है और बच्चा लोग के लिए मैंने सबसे मनपसंदीदा यह खेल का जो ये है, जो कि बनाया गया है झूला है, जो कि बच्चा लोग इस पर मतलब उछल कूद करता है। हम लोग के समय में तो इस तरह का व्यवस्था नहीं था, लेकिन ये आधुनिक ज़माना का आधुनिक तकनीक है और नए नए तकनीक विकसित होते रहते हैं, उसी का परिणाम है यहाँ पर। और देख सकते हैं बच्चा लोग किस तरह से मस्ती कर रहा है। और मैं दिखाता हूँ इधर पीछे, इधर यहाँ पर एक ट्रेन है जो कि अभी, क्योंकि अभी यहाँ पर लोग इकट्ठा नहीं हुए हैं, जैसे ही वहाँ पर इकट्ठा होंगे तो रेल भी यहाँ पर शुरू हो जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर एक काउंटर है जो कि, चलिए चलते हैं पूछते हैं भैया से कितना कितना मतलब टिकट का रेट है। 50 रुपया है दोस्तों, और बहुत ही मतलब अभी के समय में 50 रुपया कोई ज़्यादा नहीं है, बहुत ही सस्ता रेट में ये लोग ये व्यवस्था किए हैं, बहुत अच्छा बात है। जो कि यहाँ का जो यहाँ जो भव्य तरीके से यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है उसके अनुसार बहुत अच्छा है और बहुत सस्ता दाम है दोस्तों। आप देख सकते हैं किस तरह से व्यवस्था किया गया है, पूरा रेल का ये प्रारूप बनाया गया है। और अभी यहाँ पर लोग आ रहे हैं, श्रृंगार स्टोर में कुछ खरीद रहा है, चूड़ी वगैरह, गेंदा खरीदा है, गेंदा मतलब खेलने के लिए। और बच्चे लोग हैं बहुत सारी व्यवस्था। हाँ देखिए बच्चा लोग के लिए बैट है, खिलौना है, कार है, बहुत सारा चीज है दोस्तों। और देखिए मंदिर का ये दृश्य। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का यह छोटा सा व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें। जय हिंद, जय भारत।